नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। दिल्ली के एमजी रोड सुल्तानपुर में रसोई ऑन व्हील्स फाउंडेशन और अमेलिया ने नेत्रहीन गायकों द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। जिस कार्यक्रम में नेत्रहीन गायकों ने फिल्मी गाने गाकर जमकर धूम मचाया और चीफ गेस्ट के रूप में आए कई लोगों और महिलाओं का मन मोह लिया। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में कई ऐसे स्टॉल लगाए गए जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत भी देखने को मिला। वहीं आपको बताते चले कि कई सालों से रसोई ऑन व्हील्स फाउंडेशन गरीबों बेसहारों की मदद करती आ रही। कोरोना महामारी में लोगों को खाना देना, राशन देना आदि ऐसे कार्य रसोई ऑन व्हील्स फाउंडेशन द्वारा देखने को मिले। वहीं आपको बताते चले कि नेत्रहीन गायकों के गानों पर भी सभी महिलाएं जमकर झूमती दिखाई दी। आप खुद देख सकते हैं कि नेत्रहीन गायकों के गाने सुनकर सभी लोग और महिलाएं किस तरह से झूमती और गाना गाती दिख रही है। वहीं जब हमारी टीम ने मुनिका बुधवार से बातचीत की तो क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। संदेश तो मैं यही दूंगी कि ऐसे जो गिफ्टेड लोग हैं और दिव्यांग, जैसे आपने बोला कि दिव्यांग हैं और जिन्होंने इतनी तपस्या की है अपने जो टैलेंट को बढ़ाने के लिए और यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं तो बहुत चकित रह गई कि कितने खूबसूरती से उन्होंने गाया। और ये बैंड एक तरह से SRA बैंड एक तरह से बड़ा प्रोफेशनल बैंड है, तो मैं एक तो बहुत गर्व हुआ मुझे और मैं चाहती थी कि एक संदेश दें सबको कि ऐसे टैलेंट को सपोर्ट किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए और हर तरह से उनकी जो मदद की जाए, तो ये हमारा संदेश होगा। और सबसे, जैसे मैं कहती हूँ कि उनका सशक्तिकरण, दया नहीं लेकिन सशक्तिकरण करके ही हम उनको मदद कर सकते हैं। मैं बात करें तो मैं लगातार जो है गरीब और ऐसे लोगों की मदद भी कर रहे हैं, कोरोना में देखा। हाँ, एमजी का दोष है। मैं तो बस कहूँगी कि ये पुण्य कमाती रहती हैं और इतनी सेवा करती हैं गरीबों की और जो असहाय हैं और जो और मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हों, जैसे कि कोविड के समय मैंने देखा कि ये जा रही थी, अपने जान की परवाह नहीं थी इनको। मैं तो कहती थी कि आप कर क्या रहे हो, आप अपने आप को संभालो, लेकिन वो जा रही थी। जब वो माइग्रेंट लेबर जब फिर रहे थे तो वो जाके उनको खाना खिला रही थी, उनको रहने के लिए जगह दे रही थी और वैसे भी बहुत से अलग अलग, अब कोविड विडोज का ये जो आशा उन्होंने प्रोग्राम बनाया है ये बहुत ही सराहनीय है। मैडम, वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है, जिस तरीके से स्टॉल लगा हुआ है जी, कहीं ना कहीं बीच में ये भी संदेश दिया था कि चाइना के सामान को बायकॉट करना, लेकिन मैडम के इस कार्यक्रम में ये स्टॉल लगा है, हमने देखा वोकल फॉर लोकल, दिवाली आ रही है। बिल्कुल, संदेश ये है कि कोई भी किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है अगर उनका दिल चाहे तो, कुछ भी उनको रोक नहीं सकता। यही संदेश है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, और यहाँ तो हम लोगों को दिख ही रहा है वो संदेश सामने कि ये लोग कितना अच्छा गाते हैं, तो ऐसे कितने और लोग होंगे। सब आपस में जुड़िए, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है, एक ताकत है और वो हमेशा रहेगी, हाथ पे भगवान का सहारा, उसके सहारे चलते जाइए और बढ़ते जाइए। आगे इनको और आगे बढ़ाने की योजना रहेगी। आज जैसे आप देख रहे हैं, एक ये हमारे दिव्यांग लोग हैं और एक हमारी यहाँ पर आशा का स्टॉल है, कैंडल्स और दियास का, जो कोविड विडोज का लगा है, तो इनको भी बढ़ावा देना है। रसोई ऑन व्हील्स फाउंडेशन खाना करता है, लेकिन मेरा मानना है हर एक की हेल्प करनी चाहिए। उद्देश्य ये है, चलते जाइए, बढ़ते जाइए, सबकी मदद करते जाइए। आप लोग देते हैं, आपका बर्थडे है, बस्ती में आइए, आज आपने इन लोगों को देखा, इनके लिए कीजिए, बस आप लोगों की कृपा है। जो लोग आए हैं क्या अपील ये है कि आगे बढ़े, आए, इनसे इनको सुना है, इनको और यूज़ कीजिए, इनको अपने कार्यक्रम में बुलाइए। ये लोग बहुत केपेबल हैं और आज आपने देख लिया है कि ये वाकई में बहुत केपेबल हैं, ये बहुत कर सकते हैं। प्लीज़ इनको और मोटिवेट कीजिए, ये देख नहीं सकते लेकिन ये आपकी सारी प्रेजेंस फील कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, सबका साथ सबका विकास,
क्या आपके इश्यू में ये सब दिख रहा है? आई थिंक आप बताइए, दिख रहा है अच्छे से? दिख रहा है, मैं इसी में विश्वास करती हूँ। एनजीओ मेरा हो, किसी और का हो, 10 और का हो, हम में कुछ ताकत है कि हम अगर किसी के लिए बोल के उनको सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कीजिए। चीफ गेस्ट के रूप में लक्ष्मी एम पुरी आई थी, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। मैं एनजीओ ज़रूर रन करती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों से जुड़ती हूँ और वो लोग वापस मुझसे ऐसे कॉज के लिए जुड़ते हैं। मैं उनकी बहुत बहुत क्या बोलूँ, मेरे को इट्स बीन उन्हें बहुत अच्छा लगा और बहुत इंजॉय करके गई हैं वो, बहुत इनको सहारा देके गई हैं वो कि आगे भी इनको और प्रोग्राम्स मिलेंगे। थैंक यू।